जमीनों में पानी लगवाया जाता था। 2 साल में घर आ था, अब मैंने उनको कहा है 2 साल में आऊंगा ही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद अली है। अहमद अली, अहमद अली कौन सी जगह थी, कौन सा इलाका? जी मैं डीजी गाँव का एक एरिया है, लगा जमाल था वहाँ से। अच्छा, यहाँ पर आप मुल्तान में क्या कर रहे हो? जी मैं मुल्तान में ना बीजर यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर में। एग्रीकल्चर के हैं भाई। अच्छा ये बताएं, यूनिवर्सिटी लाइफ भी आप इंजॉय कर रहे हैं, हॉस्टल लाइफ को भी इंजॉय कर रहे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्टल लाइफ भी बहुत अच्छी है, यहाँ बहुत इंजॉय करते हैं हम लोग। बाकी घर से यहाँ हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छा है हमारे लिए लिहाज से ना। घर से क्यों अच्छी है, क्या रीज़न? यार घर में थोड़ा सा और हॉस्टल में और है, मतलब फुल लाइफ इंजॉय, खाना वगैरह वहाँ हॉस्टल में मतलब खा लेते हैं घर में। मतलब आप कह रहे हैं कि घर की नस्बत हॉस्टल में ज़्यादा मज़ा आता है? जी मुझे हॉस्टल लाइफ में बहुत मज़ा आता है। वैसे मुझे 10 साल हो रहे हैं मैं घर से बाहर रहा हूँ। घर वालों को मिस तो करते होंगे, याद तो आती होगी भाई घर, ये मतलब हर चीज़, इस्त्री हुए कपड़े, हर चीज़ में जो मज़े होते हैं। हाँ वो तो है बिल्कुल, घर वालों का है, 2 साल तक बाद मैं घर नहीं आऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, और उसके अलावा आपने यहाँ पे क्या सीखा है, हॉस्टल लाइफ से क्या सीखा है? हॉस्टल लाइफ में ये सीखा कि अपने आप को ग्रूम करो, मतलब सारे काम खुद करो। हाँ काम खुद करो, कपड़े। आर्मी लाइफ होगी आपकी? जी बिल्कुल आर्मी लाइफ की तरह है सारा कुछ। घर में आपको मज़ा नहीं आता? जी बिल्कुल घर में मुझे मज़ा नहीं आता, घर में बहुत तंग था मैं। क्यों तंग थे, क्या वजह? क्योंकि वहाँ पे यार मुझे ज़मीनों में पानी लगवाया जाता था, 2 साल में घर आ था, अब मैंने उनको कहा है 2 साल में आऊँगा ही नहीं। मतलब घर के काम नहीं करने? यार घर के काम मुझे घर वाले जरिए करते थे सारा दिन, कभी ज़मीनों में पानी लगाओ, कभी गाय को बैर बांध के और उनको पानी दो, दुकान पर बिठाते थे मुझे, वहाँ पर पेट्रोल पम्प था अपना, सारा दिन कभी कहाँ बेचते थे कभी किधर, ऐसे ही। अब मुझे अच्छा नहीं लगे घर में जाऊँ ना। हाँ अच्छा, मतलब आपको ये काम पसंद नहीं है, ये काम वगैरह आप क्या चाहते हैं, कैसी ज़िंदगी हो? अब तो मैं कहता हूँ बस कोई काम भी ना हो, बस सुकून हो, सुकून हो, सारा दिन हॉस्टल में लाइफ में सोते रहें, बस नींद करें। हॉस्टल लाइफ को क्या है, जिसे देखो कहते हैं नींद हो, ये क्या ऐसी चीज़ है नींद में? यार असल ये है ना कि हॉस्टल लाइफ में बस बंदा इंजॉयमेंट करता है दोस्तों से, गपशप, टिकटॉक। अच्छा लोग तो इसलिए भेजते हैं कि बच्चा चलो हॉस्टल लाइफ में काम करना सीख जाएगा, यहाँ तो देखो कहते हैं सोना, ये क्या सीन है? यार घर वाले तो भेजते हैं कि हमारा बच्चा है बहुत अच्छा है, मुल्तान में पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, लेकिन यहाँ सिस्टम और चेंज है, घर वालों को पता ही नहीं है हमारा बच्चा क्या कर रहा है। यहाँ बच्चा बिगड़ गया, बच्चा बहुत बिगड़ गया जनाब, यहाँ पर टिकटॉक है, वीडियो है, पता नहीं बढ़ गया। सही, और आप कोई अपने घर वालों को मैसेज देना चाहें? मैसेज यही है कि ना घर वालों को कि ना आप लोगों ने हमें सिखाया है, हम इस हॉस्टल लाइफ बारह गुजार रहे हैं यहाँ पे, घर में तो ये था कि हम लोगों का फैसिलिटी बहुत मिल जाती थी, यहाँ हमें कुल करना, मतलब कि कुल काम करना सिखाया आप, मतलब थैंक यू करना चाह रहे हैं? थैंक यू सो मच, उन्होंने हमें इतना कुछ सिखाया है। बाकी खाना वगैरह भी हम पका लेते हैं अलहमदिल्ला हॉस्टल लाइफ में, मतलब हम 5 ही से मैं बाहर हूँ, खाना पकाना होता है, कपड़े इस्तेमाल कर लेते, धो भी लेते हैं। सही, बहुत अच्छी बात है, मतलब हॉस्टल लाइफ इंजॉय की। ये बताना चाहता हूँ कि घर में ना जाओ, हॉस्टल लाइफ इंजॉय करो, बस सारा दिन सोते रहें, सारा दिन नींद करो। ठीक है जी, थैंक यू जनाब, वेलकम सर।